तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। T.S.B टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है टावर होम थिएटर कैबिनेट कैसे बनाएं। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको एक टावर होम थिएटर कैबिनेट बना के दिखाएंगे। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक MDF बोर्ड रखा है जो कि 12 mm का है। सो गाइज, ये 8x4 का एक MDF बोर्ड है जो कि आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। सो गाइज, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, जैसे कि आपको दिख रहा है जितना मेरा MDF बोर्ड जो यूजेबल था उतना मैंने पहले ही कट कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। सो गाइज, पहले हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग कर लेंगे अच्छे से स्केल से। वैसे मैंने मार्किंग करी हुई है, तो गाइज मैं इसको एक बार डार्क मार्किंग कर देता हूँ चौक से, तो आपको जो वो है मार्किंग है वो आसानी से दिखने लगे। तो गाइज, जो ये हम होम थिएटर बना रहे हैं वो 4.1 होने वाला है। क्या आप देख सकते हैं जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज, हमें क्या करना है कि जो हमारा कैबिनेट है उसको हम अपना डिज़ाइन देंगे। तो चलिए गाइज, We'll be right back.
हमें जो ये कटिंग में से हमारा जो बरूदा निकला था उसे हमें यहाँ पर जो हमारे जो गैप हैं उनमें भर देना है फेविकोल लगा के, जिससे कि जो हमारा बॉक्स है वो एयर टाइट रहेगा, जिससे कि कोई भी जो एयर अंदर की बाहर नहीं निकलेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा कैबिनेट है वो एकदम सूख गया है, फेविकोल सारी सूख गई है और एकदम मजबूत हो गया हमारा कैबिनेट। अब हमें क्या करना है, जो कि जो हमारी फालतू जो देख रहे होंगे आप जो MDF है फालतू बाहर को आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या करना है कट कर लेना है अच्छे से। तो गाइस चलिए कट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा कैबिनेट है वो आधा बनकर तैयार भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे जो ये कैबिनेट है उसके अंदर हमें स्पीकर के होल कर लेना है, जहाँ पर हमारा सबवूफर लगेगा यहाँ पे स्पीकर लगेंगे। तो गाइस जो मैंने ये ब्लॉक बनाया है उसमें आप देख सकते हैं जो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, जो पहला ब्लॉक है ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसके अंदर हमें सबवूफर लगाना है। तो गाइस चलिए हम इसमें सबवूफर का छेद कर लेते हैं। Oh,
जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर स्पीकर लगने हैं बॉक्स में वहाँ पर मैंने कटिंग कर ली अच्छे से। अब हम क्या करना है, जो ये पीछे का साइड है हमारा कैबिनेट का, इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, जो ये कैबिनेट है इसका ऊपर वाला हिस्सा है हमारे, यहाँ पे जो कनेक्शन है हमारे कैबिनेट के सब ऊपर कनेक्शन है, जो हमारी प्लेट और ट्रांसफार्मर है वो यहीं पर लगेगा। तो हमें क्या करना है, ये हमें ढक्कन बंद करने के लिए हमने ऐसी ये दो पट्टी हैं MDF की ऐसे काट ली हैं, जो कि हम इसे इस तरीके से यहाँ पर लगा के दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा जो ये पट्टी हमने MDF की काटी थी उन्हें अच्छे तरीके से हमने फिक्स कर दिया है, जिससे कि हमारा जो ढक्कन है ये वाला अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। सकते हैं जो मैंने कैबिनेट के दोनों साइड में रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है, ताकि जो हमारे यहाँ पे हैंडल लग जाए हमारे। और सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ फ्रंट पे भी मैंने ऐसे एक गैप बना लिया है, जिससे कि यहाँ पे हमारा जो है एक पैनल लगेगा, ब्लूटूथ पैनल। तो गाइस चलिए, हमारे जो कैबिनेट है वो कम्प्लीट हो गया है।